हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केन केन। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप अपने अंदर में क्या बदलाव देखते हो और साथ ही साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, किस टाइम पे आपको वरी करने की जरूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है और किस टाइम आपको वरी करने की जरूरत कुछ खास नहीं होती है। सारी डिटेल्स आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जितनी भी होती है वीडियो में दूंगी, तो वीडियो में कितने तक जरूर से बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। जरूर उससे पहले अगर पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर सेट करिए। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप आपको वरी करने की जरूरत होती है, क्या क्या बदलाव अपने अंदर देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग कि प्रेगनेंसी कैसी जर्नी स्टार्टिंग से हो जाती है जो कि बहुत सेंसिटिव होती है। फर्स्ट थिंग कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, अगर आपको वीकनेस लग रहा है, लेजीनेस लग रहा है, ज़रा सा भी ऐसा लग रहा है कि बीपी बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, इन दैट टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा काम रहिए, बहुत ही ज़्यादा अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें सभी के साथ में होती हैं। ब्लड प्रेशर का कम होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, लेकिन उस कंडीशन पर आपको डॉक्टर से उस कंडीशन पर ज़रूर से डॉक्टर से एकदम टच में रहना है। वीकनेस होना बीपी लो होने का कारण है, अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वो भी आपकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और क्या होता है, आपकी अगर ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है देन आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस वजह से आप ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए कि पेट में दर्द होने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, हल्की फुल्की या ज़्यादा, जैसे भी आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है ताकि वो आपकी ब्लीडिंग का कोई उपाय करे और आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखें, ठीक है। अब जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मॉर्निंग सिकनेस, लेजीनेस, ये सारी चीज़ें होना, खाने पीने का मन ना कर, डिस्चार्ज होना, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पर, सो इस वजह से आपको खास ख्याल रखना है। इसलिए पानी वगैरह इन सारी चीज़ों का इनटेक बहुत ज़्यादा करिए, पानी जितना हो सके आप पियोगे वो उतना आपके लिए बेस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम पर आपसे बिल्कुल भी खाया नहीं जाता, कई लोग को भूख वगैरह नहीं लगती, खाते भी है तो भी निकल जाता है, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। इन दैट टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है और हेल्दी चीज़ लेनी है ताकि अगर आप 3-4 घंटे नहीं भी खा रहे हो तो चल जाए। पहली बात तो 2-2 घंटे भी खाओ या 3 घंटे भी खाओ, लेकिन अगर आपसे नहीं खाया जाता है, वॉमिटिंग हो जाती, तो थोड़ा लें, कुछ ऐसा लें जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक वो एक्टिव रखे, ठीक है, बेबी के लिए और आपके लिए दोनों के लिए हेल्दी हो। ट्राइमेस्टर में अगर आप स्मोक करते हो, अल्कोहल ले रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर से बंद करिए। पूरी प्रेगनेंसी में ही आपको बंद करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जंक फूड वगैरह आपको ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो खास करिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना कि ऑयली होती है, जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। ऑयली चीज़ें भी आपको नहीं लेनी चाहिए, जितना हो सके हेल्दी चीज़ें लेनी चाहिए, सूप वगैरह पियो, जूसेस वगैरह पियो, जितना हो सके अगर आप फ्रूट्स खा सकते हो खाइए वो सारी चीज़ें, लेकिन जितना हो सके आप इन सारी चीज़ों, जंक फूड से, ऑयली चीज़ों से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह वाली चीज़ें मत खाइए, बाहर की चीज़ों को मतलब पूरा अवॉइड करना है। आपको प्रॉब्लम हुई है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट करना ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखे, आपको मेडिसिन इंजेक्शन प्रोवाइड करें कि आपका बेबी बिल्कुल ही सेफ रहे, उसको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रूट वाला ट्रैवल बिल्कुल भी मत करो। गाइज, इस टाइम पे ना मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपके पार्टनर को आप समझाओ कि इस टाइम पे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। पूरी प्रेगनेंसी में होती है, ये स्टार्टिंग दौर होता है जिसमें बहुत ज़्यादा आप ये सारी चीज़ें, क्योंकि बदलाव हो रहा है, आप अपने आप को मतलब अब बहुत ही डिफरेंट पाते हो, कई लोग तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, खाने पीने में चेंजेस हो जाता है, जो चीज़ें पसंद नहीं होती वो पसंद आने लगती है, कई लोग का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, ठीक है। आपके बॉडी लैंग्वेज में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, आपके हेयर से लेके आपके नेल्स तक में बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे, कई लोग के नेल्स वगैरह टूटते हैं, कई लोग के हेयर फॉल वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, कई लोग की ड्राई स्किन हो जाती है, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, कई लोग बहुत ब्यूटीफुल दिखने लगते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि ऑल पीपल आर डिफरेंट, सो उनके साथ में डिफरेंट चीज़ें होती हैं, बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी जर्नी होती है जो नई चीज हो रही है, आप अपने आप में खुद बदलाव देखते हो, तो आपको खुद ब खुद भी बहुत सारी चेंजेस जब आप अपने अंदर देखते हो तो आपको खुद भी खुद ही अजीब सा भी कई बार महसूस होता है कि ये कैसे ऐसा तो नहीं था, ये कैसे ऐसा हो रहा है। सो बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सो आपको बे केयरफुल अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव एक दौर होता है, ये स्टार्टिंग होती है जो कि आपको बहुत ही केयरफुली अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होता है, सोच समझ कर चीज़ों को, खाने पीने की हो, चाहे कहीं जाने की बात हो, चाहे हर तरीके से आपकी लाइफस्टाइल की बात हो,
हर तरीके से आपको इस चीज़ों को मैनेज करना इस टाइम से ही सीखना पड़ता है। तो किसी वुमन के साथ में ये एक दौर आता है और उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम गई सबके साथ में लगी होती है, कई लोगों को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने जैसा कहा अलग अलग बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ कंडीशन पर आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होना तो कॉमेंट बॉक्स है, आप उसमें मेरे से पूछ सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करके जरूर से जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी ऐसी अपनी किसी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।